अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं वीडियोज़ का आगाज़ कर रही हूँ। तकरीबन टाइम हो गया, 4 बज चुके हैं और दोपहर का खाना हमारा हो चुका है और काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमारा खाना हो गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ पैसे बनाने, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं ना आज मेरा दिल कर रहा था कि दही भल्ले बनाऊँ, तो बहुत दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ले लूँ, बना लेती हूँ, ले लूँ कहने लगी थी, बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आलू ले लिए और अब मैं ना दही लेने जा रही हूँ। मैंने कहा दही ले आती हूँ, साथ में मसाला वगैरह जो ज़रूरत होगी, हरी मिर्च और धनिया बल्लियाँ, तो वो मैं रास्ते में आते हुए ले आऊँगी। दही तो लेने जा रही हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा आज बना लेते हम दही भल्ले। तो अगर मैं वीडियो अच्छी लगे तो मैं वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकता है। और मैं बिल्कुल रेडी हो गई और मैंने शावर शुवर ले लिया था, तो मैंने कहा बाद में मैं चूल्हे के पास खड़ी होंगी तो बहुत गर्मी लगी, किस वजह से ना मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं, पता करते हैं दही मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, पता है मिलता है या नहीं मिलता। सुबह से ना दरअसल मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैंने ना सुबह ही दही ले आना था 9-10 बजे, मुझे याद नहीं रहा, तो इस वजह से मुझे अभी याद आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अभी ले आती हूँ, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है। जी फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ। ये ना मैंने बाल बांध लिए थे क्योंकि मुझे ना तंग बहुत कर रहे थे, तो इस वजह से ना मैंने क्लिप लगा ली। अब मैं चलती हूँ, मैंने पहना है रेड सूट और साथ में ही मेरी रेड जूती होगी, तो आज बिल्कुल रेड हुई हूँ। तो चलो चलते हैं, फिर हम जल्दी से बाजार में दुपट्टा ले लेती, आज मैं दुपट्टा भी सूट के साथ ही लूँगी रेड। चलो चलते हैं बाज़ार। जी फ्रेंड्स, मैंने दुपट्टा ले लिया, अब हम चलते हैं। और मैंने आलू अभी तक चूल्हे पर नहीं चढ़ाए, इसलिए नहीं चढ़ाए कि मैंने कहा पता नहीं दही मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब अगर मिल जाएगा तो फिर ठीक है, मैं किलो दही लेकर आऊँगी, तो उसमें से थोड़ी सी मैं लस्सी भी बना लूँगी अपने लिए। चलो हम चलते हैं, वापसी में ही मैं सारे मसाले वगैरह सारी चीज़ें वापसी में लूँगी, जाते हुए मैं कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि दही मिलेगा फिर हम सारी चीज़ें लेंगे, वरना नहीं लेंगे। चलो चलते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मैंने पैसे भी ले लिए और चलो हम चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं और जल्दी से लेते हैं, देखते बारिश का मौसम भी कैसा है, धूप भी है, कोई बात नहीं हम चलेंगे। जी फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ वापसी हूँ ना, मैं दूसरी गली से आऊँगी, फिर वहाँ से मुझे चीज़ें वगैरह भी लेनी है ना, तो इस वजह से मैं इस गली से इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना धूप नहीं इतनी होती, तो इस वजह, क्योंकि ये छोटी सी गली है ना, तो इस वजह से धूप नहीं होती। जी फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें ले ली है, सारी चीज़ें आई हैं 4 दुकानों से, हरी मिर्च एक दुकान से मिली, धनिया एक दुकान से और बल्ली एक दुकान से और दही एक दुकान से, 4 चीज़ें ली हैं, सारी चीज़ें एक एक दुकान से मिली, तो अब मैं घर वापस आ रही हूँ। रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ना मैंने फिर वीडियोस नहीं बनाई। जी फ्रेंड्स, मैं घर पहुँच आई हूँ और सारी चीज़ें मिल गई थी, तो एक दुकान से मुझे दही मिला और दूसरी दुकान से हरी मिर्चें, तीसरी दुकान से धनिया और चौथी दुकान से बल्ली, तो 4 दुकानों से 4 चीज़ें ली, सांस चढ़ गया। तो अब मैं जल्दी से ना आलू ऊपर रख लेती हूँ, तो आलू उबल जाए, तब तक के लिए मैं अपने लिए थोड़ी सी लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो चलो हम अपने लिए थोड़ी सी पहले लस्सी बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक गिलास बनानी है अपने लिए लस्सी, तो फिर चटनी वगैरह भी बाद में बनानी है, पहले लस्सी पीते हैं, बहुत गर्मी है। चलो फ्रेंड्स, हम जल्दी से बाहर जाते हैं और हम अपने लिए ना आलू ऊपर रख लेते हैं चूल्हे पर, तो फिर हम बाद में लस्सी बना लेंगे। मैं सोच रही सबसे पहले अपने बाल बांध लेती हूँ, बहुत गर्मी है, चलो पहले बाल ही बांध लेते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने बाल बांध लिए, अब हम जल्दी से ना पहले ऊपर रख लेते हैं आलू, तो उसके बाद हम लस्सी बाद में बनाएंगे, पहले आलू रख लेते हैं, ये होगा कि आलू हमारे उबलते रहेंगे और मैं लस्सी बना कर पी भी लूँगी।
जी फ्रेंड्स, मेरी लस्सी बन चुकी और मैंने आलू भी ऊपर रख दिए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी लस्सी हो गई है रेडी एकदम, और आलू मैंने ऊपर रख दिए। ये देखिए आलू मेरे ऊपर ही है चूल्हे पे। अब ना मैं जल्दी जल्दी से ना लस्सी पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। लस्सी से ये होगा थोड़ा सा सुकून ही मिल जाएगा पीकर। जी फ्रेंड्स, मैंने ग्लास में लस्सी डाल ली, और जिसने पीनी है वह जल्दी से आ जाए। बहुत मज़े की बनी, मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त बनी। जी फ्रेंड्स, यहाँ ना मैं मिर्च कूट लेती हूँ, तो धनिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पहले मैंने डाली नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च को मैं पहले अच्छी तरह से ना पीस लेती हूँ, फिर साथ ही मैं हरी धनिया भी ऐड कर दूँ। और यहाँ पे हमारे आलू भी तकरीबन गल ही चुके हैं। जी फ्रेंड्स, मेरे चेहरे का आप हाल देखिए, और आँखें बिल्कुल रेड हो गई, क्योंकि मैं मिर्च कूट रही थी ना, तो पता नहीं कैसे मिर्च आँखों में फ़ौरन ही चली गई, इतनी जलन। और मैंने देखो आँखों से पानी नहीं रुक रहा, और मैंने ठंडे पानी से मुँह धोया और आँखों में पानी लगाया, अभी दोनों आँखों में ना इतनी जलन हो रही, इतना सार पार रहा है। देख सकते हैं कैसी आँखें मेरी रेड हो गई दोनों। पता नहीं मैं जैसे कूट रही थी ना, वो एकदम से ना मिर्च इस आँख में गई है, और मैंने जैसे मुँह धोया तो इस आँख में भी चले गई, क्योंकि हाथों में मिर्च थी, तो मैं जल्दी जल्दी से साबुन लगाया हाथों में। फिर उसके बाद अभी भी आँखों में इतनी दर्द हो रही, इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रही। इसमें गया था डायरेक्ट हाथ, पानी मैंने जब मारा ना छिटा, तो वो मिर्च साथ लग गई थी हाथ में, शायद पता नहीं क्या, बहुत ही अब जलन हो रही है मुझे, और आँखों में अब पानी भी निकल रहा है। जो ये चीज़ें ना, इस पर अब ज़्यादा जलन हो रही, क्योंकि आँखों में अंदर मैंने ठंडा ठंडा पानी ही डाला है, तो इस वजह से ना वहाँ पे कम है, और जो ऊपर एरिया उसमें बहुत जलन हो रही मुझे। अब तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर ही बनाऊँगी वगैरह। जी फ्रेंड्स, और मैं काफ़ी हद तक आँखें ठीक हो गई थी, मैंने मिर्च फिर दोबारा कूटनी शुरू की, और मेरी आँखें अभी भी रेड है, ये खास करके रेड है। और मैंने धनिया भी काट लिया, मैं उसको कूट लूँगी, उसके मिक्स करके ना चटनी बना लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी ये हमारी आँख ना खुल नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा ना जलन हो रही ऊपर, वैसे तो ये वाली आँख बिल्कुल ठीक हो गई। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हरिया धनिया और साथ मिक्स कर लिया, मैं इसको कूट लूँगी, और हमारे आलू भी गल चुके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे आलू गल गए थे, तो मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था, तो पानी थोड़ा सा और ऐड किया कि ये थोड़े ठंडे हो जाए। तो अब मैं ना जल्दी से चटनी कूट लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, सारा मेरा मसाला रेडी हो गया, और यहाँ पे आलू, और यहाँ पे मैंने धनिया भिगो कर रख दी, यहाँ मैंने प्याज भिगो कर रख दी, और नमक ऐड करके, और ये हमारी चटनी भी रेडी हो गई। अब मैं जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ सभी को। जी फ्रेंड्स, मैंने चटनी बिल्कुल रेडी कर दी, इसमें अब मैं ना चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, और मैंने नमक मिर्च वैसे पहले भी चटनी में बना दी, ऐड कर दी थी जब कूटने टाइम, तो नमक कम था, तो मैंने नमक ऐड कर दिया। मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देती हूँ, मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया, इसको भी अब ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं पहले ऐड करूँगी आलू, अब इसको मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने सभी एक साथ ही ऐड कर लिया, और मैंने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेती हूँ। दरअसल मुझे ये था कि टमाटर घर में पड़ा होगा, तो जब मैंने आके देखा तो नहीं था, मैंने जाती बार देखा नहीं था फ्रिज में, तो इस वजह से ना मिस्टेक हो गया। अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब फिर जाना पड़ेगा। तो ये चटनी भी अभी बची हुई है, अगर कम लगेगी तो हम फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो मुझे ठीक ही लग रही थी, ये बिल्कुल रेडी हो गए। जिस जिसको दही भले पसंद है वो जल्दी से आ जाइएगा, मज़े से मैंने तो खाने लगी हूँ, जिस जिसने खाने वो जल्दी से आ जाए फिर। ये फ्रेंड, थोड़ी सी चटनी पड़ी थी वो भी मैंने निकाल ली है, और उसमें ऐड कर दी थी कैचअप, थोड़ी सी पड़ी थी गर्म,
देखो मैंने ऐड कर दी है, अब हम मज़े से खाते हैं। जिसने खानी हो जल्दी से आ जाए, मैं तो मज़े से खाने लगी। जी फ्रेंड्स, मैंने कहा मैं भी आप लोगों को साथ थोड़ा मार लेती हूँ, और ये मैं ले आई थी और मैं खाने लगी। और जिसने खाने में देखो कितना अच्छा, मैंने कहा टेस्ट करके दे दी। बिल्कुल कमाल के बने, एकदम ज़बरदस्त केचप ऐड किया, ज़्यादा ही मज़ा आया। जी फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया रात का भी समझ लो। दही भल्ले काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, और बाहर से लाने से बेहतर ये कि बंदा घर बना ले, काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। 200 रुपया लगा था तो काफ़ी ज़्यादा बन गए। अगर हम बाहर से वही प्लेट ले तो 150-160-180 रुपये की आती है, उससे कुछ नहीं बनता। घर बनाओ, पेट भर कर खाओ, और जितना मर्जी बना लो, किलो दही में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो जो दूसरे चीज़ें आलू और बनिया प्याज आप ज़्यादा ऐड कर लो तो ज़्यादा बन जाएंगे। मैंने थोड़ी सी कम ही बनाई है, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते। वैसे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन के हम, मैंने तो 2 बार खा ली है, फिर भी काफ़ी बचे हुए, बहुत टेस्टी बने थे और बहुत मज़ा आया। चलो मैं अपनी वीडियोज़ को यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलो मुझे दे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू।